हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डीएवी पब्लिक स्कूल, जिस पे आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, अपन इससे पहले क्या कर चुके हैं कि जो अपनी प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में अपन मिरर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे कि जो फॉर्मूले पढ़ के आए हैं या जो बेसिक चीज़ें पढ़ के आए हैं उन पे बेस्ड अपन क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद में आप कभी भी अगर मिरर से रिलेटेड कभी भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी, तो आज का और जो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जीरो यानी बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं उनकी सबकी क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके बाद में आप इनसे सिमिलर कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा आप तो उसको कभी भी क्या नहीं करोगे, रॉन्ग नहीं करोगे। तो सबसे फर्स्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट पैटर्न के न्यूमेरिकल में सिंपल है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म एंड कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कहने का मीनिंग हो गया कि एक वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अब आपको बताना है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होगा और वो कहाँ बनेगा आपके पास। तो इस पैटर्न का कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसको सोल्व करते टाइम पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये लिखना है कि आपको गिवन क्या है। तो गिवन में आपको जो नेम ऑफ मिरर है वो क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है। अब जैसे ही कॉनकेव मिरर आ गया तो आपके दिमाग में एक चीज तो याद आनी चाहिए कि इससे अपन रियल इमेज भी बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं। अब अपन को ये देखना है कि आपका जो यू है वो लेस देन एफ है या ग्रेटर देन एफ है आपके पास। तो अभी अपन उसी के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो नेम ऑफ मिरर तो हो गया कॉनकेव मिरर। सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और आपको ध्यान हो तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ उसमें मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था और वहां पे आपको बताया था कि यू आपका हमेशा किसमें होता है, नेगेटिव में। तो आपने यहाँ यू इज इक्वल टू लिख दिया -15 सेंटीमीटर, और ये माइनस किसके कारण आया, साइन कन्वेंशन के कारण। ऐसे आपको गिवन है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मीनिंग क्या गिवन है, एफ गिवन है, और एफ किसकी गिवन है, कॉनकेव मिरर की। और आपको इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किसमें होती है, माइनस में। तो अपन ने माइनस में, और कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो अपन ने लिख दिया ये 10 सेंटीमीटर आपके पास। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, एक तो नेचर ऑफ इमेज यानी आपको क्या डिस्क्राइब करना है, इमेज को डिस्क्राइब करना है। इमेज में क्या क्या आएगा आपके पास, पोजीशन आएगी, नेचर आएगा, और तीसरा क्या आएगा आपके पास, साइज आएगी। यानी अपन को ये तीन चीजें डिस्क्राइब करनी है। तो पोजीशन की बात करोगे तो पोजीशन का मीनिंग अपन को क्या निकालना है, वी निकालना है। नेचर की बात करोगे तो आप कह सकते हो साइन ऑफ एम निकाल दो, और तीसरा अगर साइज की बात करोगे तो आप कह दो साइन ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एम निकाल दो। अब प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका कि एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन, और इसी मैग्निफिकेशन से अपन नेचर भी बता सकते हैं, साइज भी बता सकते हैं। अब किस तरीके से अपन डिफाइन कर रहे हैं वो देखो बच्चों आप। तो आपके पास ये गिवन है तो आप क्या लिख सकते हो,
बाई मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र से आपको ये पढ़ाया गया है 1/v + 1/u = आप लिख सकते हो 1/f। यानी कि मीनिंग क्या हो गया, अपन ये फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपको v निकालना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। इसी को थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो 1/v = दोनों का एलसीएम आ गया f (u) और ये हो गया u माइनस का f, या v = डायरेक्ट लिख सकते हो f (u) / u - f। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में u और f गिवन हो और v निकालना हो तो आप डायरेक्ट यहां तक सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आपको f है वो -10 गिवन है, u आपका -15 गिवन है, u की जगह आपने -15 रखा, माइनस f की जगह आपने माइनस का 10 रखा। सॉल्व करते टाइम पे केयरफुली साइन का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपके पास ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये हो गया आपका 150। अब बॉन में ये माइनस का 10 और प्लस का, सॉरी माइनस का 15 और प्लस का 10, इसको अपन लिख सकते हैं -5। और इसको सोल्व करते हैं तो ये निकल कर आया आपका -30 cm। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन था उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कितने सेंटीमीटर पे बनेगा, -30 cm पे बनेगा आपके पास। तो बच्चों ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। अब आपके पास यहां से क्या कर सकते हो, इसका अगर अपन क्या निकालना चाहे, नेक्स्ट आपको पूछा है नेचर एंड साइज। तो नेचर एंड साइज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो बाई फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, और फॉर्मूला ऑफ बाई लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए आपको फॉर्मूला ये पढ़ाया गया है 1-v / u। यहां से अगर देखेंगे तो नेगेटिव साइन तो ऐसा का ऐसा है, माइनस वी की जगह रख दिया -30 और यहां आपका माइनस का 15, सोल्व किया कैंसिल आउट और यहां से m की वैल्यू निकल कर आई आपके पास -2। अब अगर आप इसको देखो तो यहां आपके पास जो साइन ऑफ m है वो आया नेगेटिव, और आपको पढ़ाया गया कि अगर m का साइन नेगेटिव आता है तो कैसा इमेज बनता है, आपका रियल इमेज बनता है। तो आप कह सकते हो नेचर ऑफ इमेज कैसी हो गई, रियल। सेकंड आपको मैग्नीट्यूड ऑफ m अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ m में आपका मोड ऑफ m है वो ग्रेटर देन क्या आया, 2 आया। और अपन जानते हैं कि यहां से आप hi / ho ग्रेटर देन क्या लिख सकते हो, 2। यहां से hi बड़ा हो गया ho से या 2ho, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि आपके पास जो इमेज है वो क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफाइड का मीनिंग क्या हो गया, इनलार्ज हो गया आपके पास। तो बच्चों ये था आपके पास, अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यू गिवन हो एफ गिवन हो तो उन दोनों वैल्यू के बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वी कैलकुलेट कर सकते हो, एम कैलकुलेट कर सकते हो, एम के बेसिस पे नेचर बता सकते हो, दूसरा आप ये बता सकते हो इमेज है वो मैग्नीफाइड हुआ या नहीं हुआ। अब अगर आप इसका क्या कर सकते हो, अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो आप इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो।
तो ये अपन ने क्या लिया, एक कॉन्केव मिरर लिया। अपन जानते हैं ये आपकी कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्वेश्चन में अपन को फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की वन, यानी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये वाली 10 सेंटीमीटर गिवन है। सेकंड आपको गिवन है यू की वैल्यू कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो अब यू की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो अपन को पता है कि अगर ये 10 है तो ये आपके पास कितना होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक रिलेशन याद हो, तो ये पढ़ाया गया f इज इक्वल टू r बाय 2, तो r इज इक्वल टू आप 2f लिख सकते हो, तो उसी के बेसिस पे ही आपका 20 आ गया। अब आपको u 15 गिवन है और r आपका कितना आया, 13 सेंटीमीटर, और f है वो आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इन तीनों डेटा को देख के आप कह सकते हो कि जो आपको पोजीशन गिवन है वो आपको ये पता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। और ये केस मैंने आपको पढ़ाया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो आपका इमेज कैसे बनता है। तो देखो यहां मैंने कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आपका अभी अपन को हाइट गिवन नहीं है इसकी, तो अपन कोई भी हाइट ले लेते हैं। ये पैरेलल रेडो की फोकस से पास होगी, दूसरी अपन ने क्या की, ये फोकस से पास कराई, पैरेलल हो गई, और इस तरीके से ये आपके पास यहाँ कन्वर्ट हो रही है, ये आपके पास इमेज बन गया है ए रेस, और ये आपके पास क्या हो गया, बी रेस। अब अगर आप इसकी पोजीशन डिनोट करना चाहोगे तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। तो आप अगर यहां से देखोगे तो जो यू की वैल्यू है वो जब R और F के बीच में लेते हैं, यानी कि R से लेकर F के बीच में अगर U है आपके पास, तो यहां से आपका जो B है वो क्या निकल कर आया है, ग्रेटर देन R निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 30 है, U आपका माइनस का 50 है, R आपका माइनस का 30 है, और ये आपके पास माइनस का 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये था आपके पास फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे आप V निकाल सकते हो, M निकाल सकते हो और इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट पैटर्न है, अगर U और F गिवन हो तो अपन को क्या करना है, V और उसके हेल्प से किस तरीके से इमेज फॉर्म करना है। स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम अपनी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान रखना इस बार आपको कौन सा मिरर दे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना कि मिरर की इस बार फोकल लेंथ ना देकर क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नेचर पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। क्या गिवन है कि एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर बढ़ता त्रिज्या के किसी उत्तर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन के बारे में बताना है। तो पहला काम वही आपका, नेम ऑफ मिरर, और इस बार नेम ऑफ मिरर है वो आपको क्या दे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि आपके पास उत्तर दर्पण का नाम गिवन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आप बात करोगे गिवन में से, एक तो नेम ऑफ मिरर आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा आपको गिवन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और आपको कल पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर में
कि आपके पास है कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यू अपन हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में। और कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो अपन ने लिख दिया माइनस का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास अगर आप बात करोगे तो आपके पास आएगा कि अगर आप बात करोगे तो आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पढ़ाई गई है वो प्लस में पढ़ाई गई है, और क्वेश्चन में अपन को कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। और फोकल लेंथ की अगर आप बात करोगे तो आपको पढ़ाया आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यहां से ये आ गया आपके पास 15 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, पूछा आपके पास जो इमेज है उस इमेज की नेचर पूछ ली, पोजीशन पूछ ली, और तीसरा आपको मैग्निफिकेशन पूछ लिया। तब अपन क्या करते हैं, वन बाई वन इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सी क्वांटिटी से क्या मिलेगा। तो अगर आप यही देखोगे तो आप लिख सकते हो बाई मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूले में अपन प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था कि 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू आप 1 बाई एफ लिख सकते हो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू आपके पास निकल कर आएगा u इंटू एफ अपॉन में u माइनस एफ। आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अगर आप देखोगे तो u की वैल्यू आपके पास है माइनस का 10, एफ की वैल्यू आई आपके पास 15 बाई 2 अपॉन में यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं आपका माइनस का 10 और माइनस 15 अपॉन में 2। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर हो गया आपका 150 अपॉन में 2 अपॉन एलसीएम आया 2, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस का 35 और अपॉन में इसको क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और v की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 150 अपॉन में 35। 5 से और डिवाइड कर लो तो ये तो हो गया 5 से हम गया 35 और ये आपके पास आ गया 30, यानी आप इसको लिख सकते हो 30 अपॉन में 7। तो आपके पास जो v की वैल्यू निकल कर आई 30/7 सेंटीमीटर, यानी आपने पोजीशन कैलकुलेट कर ली। सेकंड आपको याद हो तो बाई फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन की अगर आप बात करोगे तो आपको ये पढ़ाया गया एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू माइनस वी की जगह तो आप क्या लिख सकते हो 30 अपॉन में 7 और यू की जगह आप लिख सकते हो आपके पास माइनस का 10 गिवन है, यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल आउट है और ये आ गया आपका 3 अपॉन में 7। सेकंड क्या पूछा था, मैग्निफिकेशन, यानी अपन ये भी निकाल चुके, अब नेचर बतानी है। तो नेचर की बात करोगे तो अब आप यहां से देखोगे तो m का जो साइन है वो कैसा है प्लस का, और प्लस का साइन होने का मीनिंग आपके पास जो इमेज बना वो कैसा बना, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ साथ आप कौन सा वर्ड अप्लाई कर सकते हो, इरेक्ट वर्ड भी अप्लाई कर सकते हो आपके पास। नेक्स्ट अगर आप यहां से देखोगे तो मैग्नीट्यूड है वो आपका लेस देन वन है, और लेस देन वन का मीनिंग एच आई
लेस देन क्या आया आपके पास एच ओ, और ये आया तो आप यहां से कह सकते हो कि जो इमेज है वो कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया आपके पास। तो बच्चों ये सेकंड पैटर्न था जिसमें आपका कॉनकेव मिरर की जगह क्या गिवन हो, आपको कॉन्वेक्स मिरर गिवन हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अपना ये थर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्टेंड एट 100 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड। इस वर्ड पे आप कंसंट्रेट करना, सेम साइड। इफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 98 सेंटीमीटर फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों इससे पहले अपन जो न्यूमेरिकल करके आए थे उनमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो गिवन होती थी और अपन इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे। इस प्रॉब्लम में अपोजिट कर दिया, क्या कर दिया कि इमेज डिस्टेंस तो दे दी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करने के लिए का, फाइंड आउट करने के लिए का। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको इमेज डिस्टेंस गिवन होगी तो उसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन होगी, या तो आपको कहेगा इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, या सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट साइड बन रहा है या आपके पास मिरर के अपोजिट साइड बन रहा है। आपके पास इस बार आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेम साइड बन रहा है। सेम साइड का मीनिंग है जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और आपने जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केस पढ़े उनमें आपने ये देखा कि सेम साइड इमेज बनने का मीनिंग कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। तब आप इसी क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास पहला काम वही गिवन, और गिवन की बात करोगे तो आपके पास नेम ऑफ मिरर, नेम ऑफ मिरर का मीनिंग दर्पण का नाम, और नेम ऑफ मिरर है आपको गिवन है कॉनकेव मिरर। सेकंड आपको क्या गिवन है, पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। अब आपका बी के साथ साइन प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, पर मैं अभी यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इसके साथ माइनस का साइन अप्लाई कर रहा हूँ। ये 100 सेंटीमीटर है और माइनस साइन किसके बेसिस पे लगाया, आप यहाँ लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड सेम साइड। और जब इमेज आपका सेम साइड फॉर्म होता है तो आप कह सकते हो कि इमेज की जो नेचर है वो कैसी नेचर है, रियल। और रियल नेचर के लिए बी किस में होता है, आपका नेगेटिव में होता है। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपका एफ इज इक्वल टू कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में, और कितनी गिवन है, 98 सेंटीमीटर गिवन आपका। और क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये अपन को फाइंड आउट करना है। वही काम आप तो जो जानते हो वही करते जाओ, बाई मिरर फॉर्मूला। पर अगर आप मिरर फॉर्मूले की बात करोगे तो आप मिरर फॉर्मूले में जानते हो 1/v + 1/u = 1/f। इस बार क्या फाइंड करना है, u, तो u को इधर रहने दो बाकी उधर ले लो, तो 1/u = 1/f - 1/v, एलसीएम ले लो एफ बी, और ये v माइनस एफ हो गया आपके पास। सोल्व करते हैं तो u इज इक्वल टू निकल कर आ गया एफ बी अपॉन में बी माइनस है। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ एक नया और फॉर्मूला फॉर्म हो गया है, मेन मिरर फॉर्मूला ही है पर अगर एफ और बी गिवन हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एफ की वैल्यू माइनस 98 गिवन है, यू बी की वैल्यू है वो माइनस का 100 गिवन है, अपॉन में बी आपका माइनस 100 और माइनस ये हो गया माइनस का 98। सॉल्व करोगे तो ऊपर माइनस माइनस का प्लस हो गया
और 98 × 100 अपॉन में नीचे निकल कर आया आपका माइनस का 2, काटते हैं तो ये 49 हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो u निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, -49 डबल 100 सेंटीमीटर। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखते हो तो उसका इमेज आपका यहाँ बनता है, और किस साइड बनेगा, सेम साइड बनेगा। तो बच्चों ये आपकी थर्ड पैटर्न की प्रॉब्लम थी, जिसमें आपको क्या करना है कि यू और यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो इस तरीके से आपके पास जो ये बी है, इस बी के साथ आपको क्या करने है, साइन अप्लाई करते टाइम पे ध्यान रखना है कि या तो आपका कहेगा रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल, वर्चुअल के साथ प्लस साइन यूज में लेना है, रियल के साथ माइनस साइन, या दूसरी चीज ये कह सकता है कि ऑब्जेक्ट साइड बन रहा है या अपोजिट टू ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट साइड को सेम साइड कहेंगे और अपोजिट साइड आपके पास अपोजिट वर्ड यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी प्रॉब्लम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इन एन अम्यूजमेंट पार्क इज 4 मीटर। ए गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर सीज हरसेल्फ 2.5 टाइम्स टालर। इफ द इमेज इज इरेक्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कहने का मीनिंग है कि एक अम्यूजमेंट पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। दर्पण के सामने खड़ी एक लड़की 2.5 मीटर लंबा अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखे और प्रतिबिंब सीधा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपका अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, पर आपका मेथड है वो सेम है आपका सॉल्व करने का। आप देखोगे तो गिवन है नेम ऑफ मिरर, नेम ऑफ मिरर आपको गिवन है कॉनकेव मिरर। सेकेंड गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखते हैं, आर से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है वो आपको गिवन है 4 मीटर, कॉनकेव मिरर है इसलिए अपन इसको लिख दिया -4 मीटर। यहां से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, और आप कैलकुलेट करोगे तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू पढ़ के आए आर अपॉन में 2, यहां से -4 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ गया -2 मीटर। नेक्स्ट गिवन है कि इमेज है वह 2.5 टाइम्स टालर देन ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इमेज को एच आई से लिखो तो ये लिख सकते हो 2.5 × h। अब क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है कि आपका जो इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज होने का मीनिंग आपके पास एच आई अगर प्लस में है, एच ओ प्लस में है तो एच आई भी आपका प्लस में होगा, या एच ओ अगर माइनस में है तो एच आई है वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाया गया है कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है तो अगर इमेज इरेक्ट है तब तो ऊपर बढ़ेगा, और अगर इन्वर्टेड है तो आपके पास कहां पड़ेगा, नीचे पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो अगर ये एच ओ है तो ये एच आई होगा, तो इरेक्ट के लिए तो आपका एच ओ और एच आई है वो सेम साइन के होंगे, और इसके लिए एच ओ एंड एच आई है वो क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। अब आपको ये भी पढ़ाया गया एम इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन में एच ओ,
यहां से लिख सकते हो 2.5 HO अपॉन में HO, तो यहां से आपकी M की जो वैल्यू है वो 2.5 निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है कि आपके पास जो गल है वो अम्यूजमेंट पार्क में कितने यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से 4 मीटर गिवन है और ये आपकी कितनी गिवन है 2.5 गिवन है आपके पास। अब आपको बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर यानी कि आपके पास क्या निकालना आपको यू फाइंड आउट करना है। अब यू फाइंड आउट करना है तो आपको याद हो तो एम इज इक्वल टू एक तो फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ लिखवाया मैंने और यही आपको एक और फॉर्मूला लिखाया गया एफ अपॉन में एफ माइनस का यू लीनियर मैग्निफिकेशन का। और इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट का करते हो तो एम की जगह तो आपने कर दिया 2.5, एफ की जगह आपने कर दिया -2 अपॉन में -2 और ये माइनस का यू आपके पास ऐसा कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया -5 और -2.5 यू इज इक्वल टू आपके पास -2। यहां से देखेंगे तो इसको तो इधर ले आओ और उसको इधर लेंगे तो -5 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2.5 यू या यू इज इक्वल टू यहां से आपके पास आ गया माइनस का 3 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से यू इज इक्वल टू -30 अपॉन 25 या -6 अपॉन में 5 और इसी को अपन लिख सकते हैं -1.2 मीटर यानी ये आपके पास क्या आ गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाता कि वीबी निकालो तो आपको याद हो तो एम इज इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला ये भी पढ़ाया गया -v अपॉन में यू। अब आपका यू 2.5 -v निकालना है और यू की जगह कितना निकल कर आया -1.2 यहां से माइनस माइनस तो कैंसिल आउट और v इज इक्वल टू 2.5 × 1.2 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल कर आ गया आपके पास v इज इक्वल टू 3 मीटर। तो बच्चों ये था आपके पास ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको किसी भी तरीके से ना तो u गिवन है और ना ही क्या गिवन है v गिवन है। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने कुछ पैटर्न के क्वेश्चन तो इस वीडियो में किए हैं बाकी कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ये आराम से आप क्या करना है इनकी प्रैक्टिस करना किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना बाकी सिंपल है। आप अगर मेथड वाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो दोनों वीडियो दो या तीन वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको जो मिरर से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहीं देखने को मिलेगी तो आप उसको क्या कर सकते हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।